अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों में से आज ही सुनिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बता रहा हूं। एक हफ्ते पहले खुले मंच से सीएम योगी को धमकी देने वाले और आवाज निकलने पर गोली चलाने की बात कहने वाले एसपी के एक विधायक के पेट्रोल पंप पर गुरुवार को जेसीबी चला दी गई है। बंदूक से धुएं की जगह गोली निकलने की बात कहने वाले बरेली की भोजीपुरा सीट से एसपी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर कुछ इस तरह से बुलडोजर का एक्शन हुआ है। बरेली में अवैध निर्माण के नाम पर प्रशासन ने शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप जमींदोज कर डाला है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक शहजील इस्लाम वही हैं जिन्होंने पिछले दिनों मंच से ऐलान किया था कि अगर योगी के मुंह से एक आवाज निकलेगी तो उनकी बंदूकों से धुआं नहीं गोली निकलेगी। अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों में से आज ही सुनिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। बरेली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शहजील ने कहा था कि अब एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में है, अगर नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक आवाज भी निकलेगी तो हमारी बंदूक से धुआं नहीं गोली निकलेगी। तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों में से आज ही सुनिए धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं। हालांकि बाद में मीडिया को दी सफाई में वो अपनी टिप्पणी से मुकर गए थे और कहा था कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस मामले में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अब उस मामले को छोड़कर एक और एक्शन भी हुआ है, अवैध निर्माण बताकर शहजील का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार ने बदले की नीयत से एसपी के विधायक पर कार्रवाई की है। वहीं बरेली के प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं वहीं बरेली में भी ऐसा ही एक्शन किया गया है। इसका एसपी विधायक की बयान या उनकी बात से कोई लेना देना नहीं है।